अगर आप भी टेस्ट क्रिकेट को बेहतरीन फॉर्मेट मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, जिसमें पहले और दूसरे दिन भारतीय टीम ने साधारण सा प्रदर्शन किया तो वहीं तीसरे दिन बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं भारतीय टीम किस प्रकार से तीसरे दिन प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन इससे पहले मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज में से कौन है बेहतरीन गेंदबाज, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली इस मैच में अनफिट होने के कारण नहीं खेल रहे, जिनकी जगह कप्तानी केएल राहुल कर रहे हैं और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में विराट कोहली की जगह हनुमा विहारी शामिल हुए। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम में क्विंटन डिकॉक की जगह कायल वर्नी और मल्डर की जगह ऑलिवर टीम में शामिल है। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया और टीम में विराट कोहली की जगह हनुमा विहारी को शामिल किया। तो वहीं साउथ अफ्रीकी टीम ने कायली वर्नी को क्विंटन डिकॉक की जगह। वहीं भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी और बल्लेबाजी करने के लिए उतरे भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, जिन्होंने पिछले मैच की पहली पारी में शतकीय साझेदारी की थी और मयंक अग्रवाल ने 60 रन बनाए थे। तो वहीं केएल राहुल ने अपना 7वां शतक भी जड़ा था, जिसमें उन्होंने 123 रन बनाए थे। और दूसरे टेस्ट मैच में सबसे पहले मयंक अग्रवाल ने दूसरे ही ओवर में अपना खाता खोलते हुए ऑलिवर को 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद अगले ही ओवर में एक और चौका जड़ दिया, जिसके बाद मयंक अग्रवाल ने T20 बल्लेबाजी का रूप धारण कर लिया। तो वहीं राहुल ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर ही अपना खाता 1 रन के साथ खोला। तो वहीं 8वें ओवर में एक ड्रामा देखने को मिला, जिसमें 8वें ओवर पर तीसरी गेंद पर केएल राहुल ऑलिवर की गेंद में फंसते हुए दिखाई दिए और साउथ अफ्रीका ने DRS भी लिया, तो केएल राहुल नॉट आउट हुए और इसके अगली ही 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर साउथ अफ्रीका के जले पर नमक छिड़क दिया। तो वहीं 15वें ओवर में मयंक अग्रवाल ने अपना विकेट मार्को जॉनसन को 36 गेंदों पर 26 रन बनाकर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने 24 ओवर में ऑलिवर की तीसरी गेंद पर 35 गेंदों पर 3 रन बनाकर आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पूर्व भारतीय उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ऑलिवर की 4थी गेंद पर अपनी पहली गेंद पर ही 0 रन बनाकर आउट हो गए, जो ऑलिवर का 50वां विकेट है। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए हनुमा विहारी ठीक ठाक बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले सत्र के अंत तक भारतीय टीम ने 53 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें राहुल के 19 और हनुमा विहारी के 4 रन शामिल हैं। इसके बाद दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो लगातार 27-28-29वां ओवर मिडन डला और इसके बाद हनुमा विहारी और राहुल दोनों ने ही शानदार बल्लेबाजी की, 41 रन की साझेदारी की। और लेकिन इसके बाद 39वें ओवर में हनुमा विहारी 55 गेंद खेलकर 20 रन बनाकर 3 चौकों की मदद से रबाड़ा का शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत आए। लेकिन कुछ समय बाद ही 45वें ओवर में केएल राहुल ने अपना 13वां शतक जड़ा, जो कि एक कप्तानी पारी भी थी। लेकिन इससे अगले ओवर में ही 5वीं गेंद पर केएल राहुल 133 गेंद खेलकर 50 रन 7 चौकों की मदद से बनाए और अपना विकेट मार्को को दे दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए भारत के मुख्य ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन आए और अपने पहले ही ओवर में 10 रन 2 चौकों की मदद से बनाए और एक तेज तर्रार पारी की शुरुआत की। और दूसरे सत्र के अंत तक भारतीय टीम ने 51 ओवर में 146 रन पर 5 विकेट गंवा दिए, जिसमें ऋषभ पंत 32 गेंदों पर 1 चौकों की मदद से 13 रन बनाकर और रविचंद्रन अश्विन 21 गेंदों पर 24 रन बनाकर 4 चौकों की मदद से नाबाद खड़े हैं। इसके बाद तीसरे सत्र के प्रारंभ होने के बाद भारतीय टीम उतरी तो 54वें ओवर में ऋषभ पंत को 45 गेंद पर 17 रन बनाकर मार्को जॉनसन ने आउट किया। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए शार्दुल ठाकुर बिना रन बनाए ऑलिवर के शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद शमी ने शानदार बल्लेबाजी की और मोहम्मद शमी ने अपना विकेट 60 ओवर में रबाड़ा को दे दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह आए और आते ही 62वें ओवर में रबाड़ा की रिमांड ले ली और उनको इस ओवर में 14 रन जोड़ दिए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल है। तो वहीं 63वें ओवर में मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए और 1 रन बनाकर रबाड़ा के शिकार हो गए और इनका आने का कारण रविचंद्रन अश्विन का मार्को जॉनसन के द्वारा आउट होना है, जिसमें अश्विन ने एक दिवसीय बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर 46 रन 6 चौकों की मदद से बनाए, जिसमें टीम में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। तो वहीं जसप्रीत बुमराह 11 गेंदों में 14 रन बनाकर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से T20 पारी खेलकर नाबाद रहे और इसकी बदौलत भारतीय टीम ने 202 रन पर ऑल आउट हो गई। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से गेंदबाजी करते हुए मार्को ने 4 विकेट लिए, रबाड़ा और ऑलिवर ने 3-3 विकेट लिए। इन तीनों गेंदबाजों ने 17-17 ओवर गेंदबाजी की। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो 4 ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका ने 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें माक्रम 14 गेंदों पर 7 रन 1 चौके की मदद से बनाकर शमी का 4थे ओवर में शिकार हो गए। तो वहीं बल्लेबाजी करने आए पीटरसन ने 39 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 14 रन बनाए। तो वहीं कप्तान डीन एल्गर ने 57 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 11 रन बनाए और दोनों ही खिलाड़ी दिन के अंत तक नाबाद खड़े हैं। और साउथ अफ्रीका की टीम ने दिन के अंत तक 35 रन पर 1 विकेट गंवाया है और 167 रन से पीछे है। तो वहीं दूसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ और दूसरे दिन का पहला चौका 22वें ओवर में बुमराह की आखिरी गेंद पर पीटरसन ने लगाया। तो वहीं 29वें ओवर में 2 चौके जड़कर पीटरसन ने भारतीय टीम को अपने बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा दिया और इसके बाद 39वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को डीन एल्गर का 28 रन पर विकेट मिल गया और डीन एल्गर 128 गेंदों पर 28 रन 4 चौकों की मदद से बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वेंडर हुसैन और वहीं 40 ओवर की पहली गेंद पर पीटरसन ने अपना अर्धशतक जड़ा और दूसरी और चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं 43 ओवर की आखिरी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने पीटरसन को 118 गेंद पर 62 रन 9 चौकों की मदद
रन से बनाने के बाद आउट किया। और इसके बाद 45 ओवर की चौथी गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने वंडर हुसैन को एक रन बनाने के बाद आउट कर दिया। और बल्लेबाजी करने के लिए टेम्बू बबूमा और काइली वर्नी बल्लेबाजी के लिए आए और दोनों ने मिलकर 60 रन की बेहतरीन साझेदारी की। तो वहीं वर्नी ने अपना विकेट 21 रन दो चौकों की मदद से बनाकर शार्दुल ठाकुर को दे दिया। और इसके बाद टेम्बू बबूमा ने अपना विकेट 51 रन 6 चौके 1 छक्के की मदद से बनाकर शार्दुल ठाकुर को दे दिया। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रबाड़ा 0 रन बनाकर शमी के शिकार हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए केशव महाराज और मार्को जेनसन और दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टीम को भारतीय टीम के स्कोर के बराबर 73वें ओवर में पहुंचाया। और मार्को जेनसन और महाराज दोनों ने ही 21 रन बनाए और लुंगी नागड़ी को 0 रन पर शार्दुल ठाकुर ने आउट कर दिया। और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम 228 रन पर ऑल आउट हो गई। और इसके साथ ही भारतीय टीम 26 रन से पीछे है और तेज गेंदबाजों में शार्दुल ठाकुर ने सबसे ज्यादा 7 विकेट लिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। तो वहीं बुमराह ने 1 और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए। इसके बाद बल्लेबाजी करने भारतीय टीम दूसरी पारी में उतरी तो अभी 7 ओवर के अंत तक 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें राहुल ने 8 रन बनाकर अपना विकेट मार्को जॉनसन को दे दिया। तो मयंक ने 4 चौकों की मदद से 16 रन नाबाद बनाए। और बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा मैदान पर आए तो वहीं 13वें ओवर में मयंक अग्रवाल 35 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 23 रन बनाकर और ओलिवर के शिकार हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए जिनके रहाणे पुजारा के संग मिलकर दिन के अंत तक 40 रन की बेहतरीन साझेदारी की, जिसमें पुजारा ने 18 और 20 ओवर में 2-2 चौके जड़कर तेज तर्रार शुरुआत भी की। तो वहीं दिन के अंत तक भारतीय टीम 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना चुकी है, जिसमें रहाणे ने 22 गेंदों पर 11 रन चौके की मदद से बनाए। तो वहीं चेतेश्वर पुजारा ने 42 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 35 रन नाबाद बनाए हैं। तो वहीं तीसरे दिन के खेल में भारतीय टीम दूसरी पारी में बेहतरीन प्रदर्शन करके 450 के आसपास रन बना सकती है, जिसमें चेतेश्वर पुजारा बड़ी पारी खेल सकते हैं जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम को 400 रन का लक्ष्य दे सकते हैं। दोस्तों, विराट कोहली और मयंक अग्रवाल में से इस साल आपको किसका प्रदर्शन बेहतरीन लगा, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।